नमस्कार किसान भाइयों, सोयाबीन फार्मर ग्रुप के मेरे साथी एडमिन आदरणीय धर्मपाल सिंह जी के खेत पर आज मैं आया हूं। आज हम इनसे जानेंगे इन्होंने इस बार सोयाबीन की कौन सी किस्म लगाई है, कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। ये अपनी हर वेराइटीज अपने हर खेत के बारे में हमें बताएंगे, इन्होंने क्या क्या किया क्या नहीं किया। धर्मपाल जी नमस्कार। साथियों, सोयाबीन फार्मर परिवार के मेरे सभी परिवार के सदस्य, मेरे साथीगण, मेरे बड़े महानुभावी, मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक, मेरे खेती बाड़ी किसान से जुड़े हुए मेरे सभी गुरुजन, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सौभाग्य का दिन है कि आज ग्रुप के संस्थापक आदरणीय संजय सिंह जी हमारे साथ हैं और हमारी जो हमेशा सोच रहती है, विचारधारा रहती है कि नए बीज से आपको अवगत कराएं, नए कीटनाशकों से अवगत कराएं, क्योंकि अब समय कीटनाशकों का विषय मुख्यतः फंगिसाइड्स वगैरह का निकल चुका है। वैरायटी के परफॉर्मेंस पे ही बात इस समय हो सकती है। तो ये हमारा प्लॉट है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा RVS 1110 का है, सीहोर की एक वैरायटी है जो कि अभी अंडर रिलीज है, रिलीज होने वाली है। इस वैरायटी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह वैरायटी मुख्यतः 95 दिन की है। अभी तक जो हम इसका निष्कर्ष गवर्नमेंट के डाटा के अनुसार तो ये 95 दिन के आसपास बता रहे हैं, लेकिन इसका लग रहा है कि अवधि थोड़ी सी बड़ी है, 2-5 दिन। आइए मेरे साथ थोड़ा कोशिश करेंगे। यह वैरायटी की हाइट अभी जांघों तक है, आप देख सकते हैं, और इसमें जो फाल है कुछ इस प्रकार है। मैं देख रहा हूँ इस वैरायटी में ज्यादा सीडेड होने के बावजूद भी इसका जो फाल है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक की सारी वैरायटियों में सबसे ज्यादा है। देखिए, मुख्यतः जब हमने इसको लगाया था उस परिस्थिति में, आप थोड़ा सा और आगे चलिए किसान भाइयों को, हम आगे से थोड़ा सा और लगाने की कोशिश करेंगे। जी, मुख्यतः जब मैंने इसको लगाई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं इसका जो सीड रेट है वो ज्यादा हो गया है, और जैसे कि हमारे पास कई वैरायटीज आती है उसमें हमें ऐसा लगता है कि यार सीड रेट ज्यादा होने पे फलन की शिकायत आती है, फलियां सड़ती है पॉट ब्लाइट की, और काफी गिरने की भी काफी शिकायत आती है। लेकिन इस वैरायटी में जो मुझे प्रसन्नता है इस वैरायटी को दर्शाने की, इसलिए मैं इसको प्रमुखता पे सबसे पहले आपको दिखाया है कि इस वैरायटी में जो है खड़े रहने की ताकत बहुत है और संघन होने के बाद वैसे हम सारी वैरायटी दिखाएंगे किसान भाइयों को, लेकिन हर वैरायटी का अपना एक कैरेक्टर होता है। और मैं जो देख रहा हूं कि आजकल क्या है कि किसान भाई कम सीड रेट डालना पसंद नहीं करता है, और ये जो वैरायटी है ये ज्यादा सीड रेट में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, और जो गिरने वगैरह की जो समस्या वो इसमें नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है। जी वैसा ही है कि राम और श्याम दो भाई हैं, जुड़वा है, लेकिन उनमें बहुत सारी चीजें समान नहीं रहती है, अलग रहती है, इसलिए वैरायटीज भी कई हैं, लेकिन सबके अपने गुण है, सबके अपना काम है, इसलिए सबको दिखाना जरूरी है। वो चयन आपको करना है, आपको पसंद क्या आता है, और नहीं भी आता है तो जुड़े रहिए, क्योंकि नई चीज है हम ही लेके आएंगे। अब ये देखिए, ये चीज देखिए आप किसान भाइयों, ये मैं आपको बीच खेत से बता रहा हूँ क्या कंडीशन है इसकी। देखिए, पहले 15 फीट 20 फीट जले चुके हैं। पहले मैं आपको ये बताता हूँ, देखिए खेत के मेड़ से चारों तरफ आप देखिए, अब ये देखिए आप, ये इस तरह का इसमें फाल है। इसमें अभी देख सकते हैं आप कि जो दाने की जो स्थिति है वो अभी 75 से 76 दिन में इस प्रकार है। तो ये कंडीशन अब इसकी लग रही है, देखते हैं इसकी अवधि जो है, वास्तविक अवधि जो हम आपको बताएंगे। देखिए, मैं आपको ये खेत के बीचों बीच में से बिल्कुल आप देखिए इसको, आप हमारे साथी एडमिन, बारिश हो, हम खेत पे आए थे लेकिन बारिश हो गई, लेकिन फिर भी ये इधर भी आप आ सकते हैं। जी वो तो लग ही रहा है, ये देखिए आप। जी, ये देखिए आप, इस प्रकार बहुत जबरदस्त, ये देखिए आप। जी, देखिए खेती में प्राकृतिक फसल है ये, ज्यादा किसी प्रबंधन से, मतलब ऊपर से जो प्रबंधन किया जाते हैं उससे ज्यादा कभी फर्क पड़ता नहीं। सिर्फ खेती में हमारा जो अनुभव है पिछले सालों का, पिछले कई वर्षों का, कि जो हम लोगों से बीच में जुड़े हैं, कहीं अन्य जगह मध्य प्रदेश के हम गए, मध्य प्रदेश के बाहर भी गए, और जहां भी सोयाबीन होती है साइंटिस्ट से हमारी चर्चाएं होती रहती है, फॉरेंस के भी साइंटिस्ट से जो अच्छे प्रोडक्शन निकाले उनसे भी हमारी ट्विटर्स वगैरह के हैंडल्स पे हमारी बात होती रहती है। तो उन्होंने यही कहा कि आप कितना भी प्रयास कर लें आप ज्यादा से ज्यादा 20% प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अगर आपका कैरेक्टर बीज सही है तो आपकी प्रोडक्शन 50% बढ़ेगी, और क्लाइमेट सही है तो 50% बढ़ेगी। दो चीजें हैं, इन दोनों से ही प्रोडक्शन का बेस बनता है। अच्छा, आपने इसमें स्प्रे क्या क्या लिया अभी तक? देखिए शुरू से अगर आप बताएं तो प्रमुखता, वैसे तो ग्रुप में सारी वीडियोस मेरे स्प्रे की
मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ कि देखिए वो क्या है कि आपकी फसल इतनी शानदार लगी हुई है, तो हम ऐसा चाहते हैं कि आप जो आपने किया वो आप किसानों को बताएं, ताकि वो अगली बार जब वो सोयाबीन की सोइंग करे, जब वो स्प्रे करे, तो अगले साल के लिए वो काम आए। आदरणीय साथीगण, विषय ऐसा है कि मैंने इसको सर्वप्रथम, मेरा जो स्प्रे था वो 25 से 28 दिन के, जहां तक मुझे ध्यान है अच्छे से कि 28 दिन के आसपास मैंने किया था। उसके पहले ना मैंने इसमें कोई थायमेथान का स्प्रे किया था, हर्बिसाइड में डालता नहीं हूँ। मेरे कुछ जमीन है उसमें अपने डलती है 72 घंटे या 48 घंटे वाली अथॉरिटी नेक्स्ट का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो डालता हूँ। उसके बाद में सारी मैं लेबर से मैनुअलिंग हैंड पिकिंग करवाता हूँ सारे वीड्स की, चाहे वो चौड़ी पत्ती का हो या संगड़ी पत्ती का हो। 28 दिन पे मैंने पहला स्प्रे किया था। इसमें पहला स्प्रे मेरा जो था ये अपना सोलोमोन का था। सोलोमोन के साथ में मैंने कोई टॉनिक, कोई न्यूट्रिएंट कुछ डाला नहीं था। उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो उसके 12 दिन बाद मेरा अगला स्प्रे हुआ था। अगला स्प्रे में मैंने कोराजन लिया था और कोराजन के साथ में मैंने अपना जो कुनाल फोस आता है वो लिया था। कुनाल फोस मेरा फेवरेट है। उसका कारण ये कि गर्डल, बिटल, रिंग कटर, स्टेम फ्लाई सभी पे उसका मुख्यतः नियंत्रण रहता है। कीट जो उड़ते रहते हैं उस पर भी वो अटैक अच्छा करता है। उसके बाद में जब आर्थरी स्टेज, आपको ग्रुप में एडमिन महोदय तो काफी बढ़ चढ़ के उसको बताते हैं आर्थरी स्टेज को, क्योंकि इनका भी मानना है और सभी साइंटिस्ट का भी मानना है कि आर्थरी स्टेज पे अगर फंगिसाइड जाता है तो प्रोडक्शन वाइज आप ये समझ लीजिए कि आपको प्रोडक्शन में, जो मैं 20% की बात करता था कि जो न्यूट्रिएंट्स और जो फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड से फर्क पड़ता है, तो 20% में मेरे को लगता है 10% जो रोल है फंगिसाइड्स के फील्ड में अगर बात करें, तो अगर 90% किसी का रोल रिजल्ट आता है तो वो प्राइक्सर का आता है, क्योंकि उसमें जो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है उसमें पैरास्ट्रोक्लोबिन है, फ्लुक्सा है, तो ये सारी चीजें एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो सोयाबीन को, बहुत सारी वेराइटीज रहती है वाइड रेंज की जिसपे अटैक्स आते हैं, जैसे फ्रॉग आइल स्पॉट है, एंथ्राक्नोज है, सेप्टिफिलियम ब्लाइट है, इन सभी पे लगभग उसका कवरेज रहता है। वैसे जो फ्रॉग आई जो लीव स्पॉट है जी, वो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख बीमारी है जी, और उसपे जो प्रायोगजर है वो सबसे अच्छा काम करता है। इसीलिए सभी को, साथियों को ग्रुप में बताया भी यही गया था। फिर एक बार जब वाइगो और प्रायोगजर का स्प्रे होता था तो 2172 का एक वीडियो भी बना हुआ है, उसमें किसानों को बताया भी था कि मतलब आपके हिसाब से प्रायोगजर तो डालना ही चाहिए किसानों को। प्रायोगजर मस्ट है, मतलब अगर मान लीजिए कि अगर किसी चीज को अपने को कम्प्लीट पैकेज बनाना है तो प्रायोगजर को आपको ऐड करना ही पड़ेगा। और प्रायोगजर को अगर आप ऐड कर रहे हो तो FIR पद्धति से आपको करना है, कोशिश करना है कि एक ही इंसेक्टिसाइड उसके साथ लें, इसी फॉर्मुलेशन वाले ना लें। खैर एक विषय बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इस पे एक अलग वीडियो आप सभी के सामने हम लाएंगे जी। और उसके बाद में वाइगो के बाद में कभी क्लोरोसाइफर का स्प्रे किया था सेमिलूपर के लिए, क्योंकि सेमिलूपर पे जो सबसे ज्यादा रिजल्ट है वो क्लोरोफायरोफास का और साइपरमेथ्रिन का ही है, तो वो स्प्रे किया था। उसके अलावा विशेष 0050, 0534, कोई PGR, कोई सागरिका, कोई पोषक सुपर, कोई फेंटेक प्लस, जितने भी नाम मुझे आते हैं उसमें से मैंने कुछ भी नहीं डाला, उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि इन सब चीजों से खर्चा बढ़ता है। अगर आपको खर्च ही करना है, आपको सही करना है, तो आप बीज का सब चयन कर लीजिए, उसके बाद प्रायोगजर जैसी महंगी दवाई एक बार आप डाल सकते हैं। ज्यादा कीट का, इलियो का प्रकोप हो तो वाइगो जैसी एक बार दवा पे आप जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर किसी टॉनिक न्यूट्रिएंट से सोयाबीन नहीं पकती, क्योंकि सोयाबीन को अगर पकाना है तो आप, एक तो आपका खेत की जुताई सही होना चाहिए, उसमें जो खाद आप दे सकते हैं 12-32-16 सल्फर मिला के, एनपीके के साथ सल्फर बहुत जरूरी है। किसान भाई क्या करते हैं कि केवल SSP डाल रहे हैं, 3-3 बैग, 4-4 बैग DAP डाल रहे हैं, लेकिन वो पोटाश का रोल नहीं समझ पा रहे, और कम से कम 15 किलो एकड़, 16 किलो एकड़ उनको पोटाश डालना ही डालना चाहिए। और साथियों एक और चीज रहती है कि संतुलित जो आहार हम भी लेते हैं वैसा फसल को भी चाहिए। 12-32-16 एक डिजाइंड फॉर्मुलेशन है सोयाबीन के लिए, जो गवर्नमेंट ने या फिर जो सीड्स जो कंपनीज है उन्होंने बनाया है, ताकि एक फिक्स्ड न्यूट्रेंट उनको मिल सके। देखिए कभी नाइट्रोजन ज्यादा होता है तो भी दूसरी चीजों पे पोटाश और उस पर फर्क पड़ता है, पोटाश के ज्यादा होने से भी दूसरी चीजों पर फर्क पड़ता है, सबके अपने अपने कैरेक्टर से। लेकिन उसके साथ में आप सल्फर एड ऑन कीजिए, सोयाबीन में शाइनिंग दाना ये उसी का आपके सामने ही समक्ष है। मेरी सोयाबीन जो मैंने डाला है बीज संग्रह होने के बाद भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस इसका है। तो अच्छा, इसके जो हम देख रहे थे अभी जो रास्ते में हम आए, तो हमने देखा है कि जो 95-60, 1025, 61-24 वगैरह, इन सब में YMB या फिर किसी भी बीमारियों को हम बोल दें, वो सारी वायरस में खत्म हो चुकी है। लेकिन आपका हमने जो प्लॉट देखा, तो आपके ये जो वैरायटी है आप बता रहे 11-10 है। देखिए आज से पिछले 3-4 वर्ष पहले जी, नए बीज का बहुत बहुत बड़ा विषय आपने मेरे सामने रखा है। इस सोयाबीन फार्मर ग्रुप के मंच से मेरे को बोलने का मौका मिल रहा है, मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि इसको लगभग 1 लाख लोग के आसपास इसको देखते हैं, सब समझते हैं, और उससे भी ज्यादा। खैर हमको उसका स्टेट्स मालूम नहीं है एग्जैक्टली कितने लोग देखते हैं, लेकिन जब मेरे पास में जब खेती की भागडोर आई, तब मैंने नया बीज का चयन मेरे दिमाग में कहां से आया,
हुआ यही था कि हमने 95-60 हम लगा रहे थे, काफी 61-24 हमारे फेवरेट वैरायटी थी, 1025 के हम बहुत बड़े फैन थे। ये तीन चीजें हमारी लगभग 80 एकड़ में सारी लगती थी। ये हमारे फादर साहब का डिजाइन मॉड्यूल था, इसमें हम लोग लगाते थे। लेकिन जिस साल वायरस आया उस साल जो हमारे यहाँ उपज आई, हमारा गोडाउन खाली के खाली रह गए। हमारे जो अपेक्षित हमको उपज आनी थी उससे हम लगभग 50 गुना क्या छोड़िए आप 30 गुना भी नहीं ले पाए। ऐसे अटैक के कारण हम लोगों ने नया बीज का जब चयन करा, अच्छा वंशा जो वायरसेस रहते हैं एटमॉस्फेरिक रहते हैं, किसी बीज से कंट्रोल नहीं होते, सीड के कैरेक्टर में वंशागुणत रोग नहीं होंगे। अगर किसी में जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसका जेनेटिकली उसको ऑपरेशन होता है, उसके जीन्स को सही किया जाता है। ये सोयाबीन हम लोग नहीं कर सकते, हम तो ये कर सकते हैं स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें स्प्रे के लिए कुछ नहीं हो सकता, आपको बीज ही ऐसा चुनना पड़ेगा। जैसे मैं अपने ग्रुप के जो भी किसान साथी है जो सोयाबीन, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अगर नया बीज ज्यादा नहीं खरीद पा सकते तो हम थोड़ा बहुत लेके ट्रायल कर ले अपने यहाँ क्विंटल। पॉजिटिविटी सकारात्मकता जी आपको रवैया रखना पड़ेगा। जी 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 आप बीन बना के बैठेंगे कि नहीं 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 तो वो सारी चीजें गलत है। 10 किलो भी बीज होता है, 1 क्विंटल भी बीज होता है, 10 क्विंटल भी बीज होता है और 100 क्विंटल भी बीज होता है। आशा उपेक्षा जिस हिसाब से आप लगा सकते हैं लगाइए, नहीं भी लगा सकते हैं तो जो क्षेत्र में लगा है वहां देखिए, क्योंकि कैरेक्टर वाइज अगर आप ऐसी चीजों पे जाएंगे आप हर साल मत बदलिए। आपको लग रहा है कि आज तक इसका परफॉर्मेंस, जैसे पिछले साल कहीं लोगों ने ब्लैक बोर्ड भी लगाया है, 71 भी लगाया है, 117 भी लगाया है, जहां उनको संतुष्टि लग रही है कि यार मुझे इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो बदले क्यों उस चीज को, कैरी फॉरवर्ड कीजिए, बदलने की क्या जरूरत। आपने इसके अलावा और कौन सी किस्म लगाई आपने? बड़ा सौभाग्यशाली आपके जिसमें वायरस नहीं आता है लगभग सारी किस्में मैंने लगाई है। जी जी जिसमें प्रमुखता मेरे को इस टाइम फेवरेट मेरी 11 हो चुकी है। जी फैंटास्टिक वैरायटी है। हमने आपका 2172 का भी प्लॉट देखा है, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आप समय हो तो 1-2 मिनट हम उसको भी देख लेते हैं। जी सबसे उसमें 11-10 के पौधे हैं, आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से फाल है, पूरी फलियां गुथी हुई है इसकी। जी ये 2172 का जो माननीय महोदय का निवेदन है, अनुरोध है, सादर स्वीकार है। देखिए वो क्या है कि हम एक आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, क्योंकि आप क्या है कि सोयाबीन फार्मर ग्रुप के मेरे साथी एडमिन है, तो आप इस वैरायटी के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। देखिए ये प्लॉट है, थोड़ा मैं अंदर आपको साथ में लेना चाहूंगा कि आप अंदर बता रहे हैं। इस वैरायटी पे मुझे कॉन्फिडेंस इतना था कि इसका मैंने सीड रेट कम रखा था। जी पिछले वर्ष भी मैंने इसको लगाया था, जबलपुर सोयाबीन अनुसंधान की किस्म है। अब ये जो सोयाबीन है साथियों, इसका आप फाल देखिए, ये कंडीशन है इस सोयाबीन की, ये काफी दूर लगी हुई है, काफी दूर है ये, लेकिन उसके बाद भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखो रूट का रिफ्लेक्शन आएगा, आप इस साइड आइए। सबसे पहले तो आप इसके रूट्स की जो नोडुलेशन है आप उसको देखिए, यही इस वैरायटी को अद्भुत बनाता है। देखिए इसमें इसकी मुख्यतः बात इस रूट्स पे करने की इसलिए है जी, कि जो इसका रूट का काम है जी, ये इस वैरायटी की जेनेटिक से जी, तो इसमें इसका प्रोडक्शन इसके रूट्स का ग्रोथ ज्यादा रहता है जी। मेरे पास कई फोटोज है, मैं ग्रुप पे शेयर जरूर करूंगा जी, जिसमें इसका रूट्स का ग्रोथ काफी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप जाएंगे और आप देखेंगे तो इस वैरायटी में फैलने की क्षमता काफी है साहब जी। आप इसके फैलाव को देखिए और उसके बाद में इसके एक एक फली के गुच्छों को देखिए। अच्छा एक ये वैरायटी है कि ये दिखने में आकर्षित नहीं है, लेकिन जब ये थ्रेशर में निकलती है तब ये आपको बड़ी सुंदर लगेगी, क्योंकि इसके जो दाने की विशेषता मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों। इसका जो दाना है जी, इसकी जो फली है, मैं 2 मिनट के लिए पौधा नीचे रखना चाहूंगा, अलग अलग जगह से मैं नीचे से भी फली तोड़ लेता हूँ कहीं से। अब इसके दाने में क्या है, इसकी जो फली है जी, ये अन्य किसी भी किस्म से बड़ी होगी जी। इसके दाने का वेट सबसे ज्यादा है जी। दाने के बाद में इसमें शटरिंग का कोई इश्यू नहीं है जी। दाना इतना शाइनी और इसका स्ट्रांग है कि आप देख सकते हैं इसका जो प्रोडक्शन नॉर्मल सोयाबीन जब के जब दाने भराते रहते हैं जी, तब इतने बड़े नहीं रहते जो इसके, तो इसके दाने का जो वेट है और उसके दाने का जो साइज है वही इसको प्रोडक्शन देता है। इसके फली की साइज भी बताइए आप। इसके फली की साइज आप देख सकते हैं, जनरल वैरायटीज से इसकी ज्यादा रहती है, मुख्यतः 3 दानों की फलियां इसमें रहती है जी, लेकिन इसकी साइज देखकर लग रहा है कि ये 4 दाने को टक्कर मार रही है। हम छोड़ के आ गए अपना 11-10 की फलियां या और किसी सोयाबीन की फलियां, उन सभी से ज्यादा इसकी फलियां हैं।
इसमें मैं एक बात देख रहा हूँ इस वैरायटी की, जो ये मैकेनिकल जो हार्वेस्टर है अपनी, उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और अगर इसका सीड रेट अगर कम भी रह जाता है तो भी इसकी हाइट बहुत अच्छी ली, लगभग ये 70 से 72 सेंटीमीटर के आसपास इसकी हाइट है अभी। साथियों इसमें एक समस्या ये भी रही थी कि जब हमने बोया था 11-10 को, तो खैर सारी वैरायटीज को भी हमने बोया था, तब उसके बाद जो पानी की खेत थी वो 21 दिन हमारे से जूझना पड़ा। अब कुछ खेत जो हमारे जहाँ अच्छा गिर गया था, दो जगह हमारी जमीन है, इस जमीन में हम जहाँ खड़े हैं वहाँ हमें अच्छा पानी नहीं मिला था, तो जहाँ हुआ था वहाँ तनाव बहुत आया था बीच में, लेकिन उसके बाद भी अगर ये वैरायटीज अगर यहाँ तक पहुँच रही है जी, होने के बाद। मैं आपके खेत में देख रहा हूँ किसी किसी फली की जो साइज है जी, ये आपकी नजर पारखी है साहब जी। ये देख सकते हैं जी, ये फलियाँ छोटी मटर जो हमें दिखती है जी बाजार में जी, छोटी मटर जो रहती है बस उस तरह से इसकी फलियाँ हैं। अगर उंगली के उसके मापदंड में दिखाऊं आपको, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि उंगली को लगभग ढकरी है जी, जी, जी। और लगभग इसके जो तीन दाने की जो आपको मैंने बताई थी, तीन दाने दूसरी फलियों में यही खत्म हो जाते हैं साहब जी, लेकिन इसमें इसका लगभग दूसरी फलियों से 80 दूसरी फली 80% मानो, उसको आप 100 मानो, 20-25% का डिफर जरूर है इसमें, इसके ग्रेन की साइज में और उसके साइज में। इसलिए जो प्रोडक्शन के मामले में अगर बात करें तो पिछले वर्ष जो सर्वाधिक रहा था इसी कारण इसका रहा था जी। जी जी, ये कुछ पौधे हैं बीच खेत में से, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किसान भाइयों, देखिए आप इसकी एक विविधता और ही देखिए कि जहाँ ऊपर जा रही है जी, ऊपर तक इसकी एक अलग अलग गुच्छे, और ये मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये वैरायटीज मध्यम दिन में पकने वाली है, और इसने लगभग 75 से 80% दाना इसका कंप्लीट कर भी लिया है। ये देखिए आप, ये एक सिंगल प्लांट फिर आपके सामने। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल सिंह जी, आपने सोयाबीन फार्मर ग्रुप के हमारे किसान भाइयों के लिए समय निकाला, आपने जो बात बताई उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये सब चीजें रुचि पे है जी, हमारी रुचि बुनियादी चीजों पे है जी, जो कि खेती को कैसे जुता जाए जी, खेती में कैसा खाद यूज किया जाए, खेती में कैसा बीज डाला जाए, तो इन्हीं बुनियादी शौकों के कारण हम ये वीडियोस बना रहे हैं। ये ग्रुप में बनाया भी इसीलिए कि जो बुनियादी बातें हैं इन बुनियादी बातों पर चर्चा कर सके। इसके उपरांत कोई विषय ऐसा है नहीं जो हमारे पास है, हर आदमी अपनी चीजों को दिखाना चाहता है। मैंने आपके यहाँ जो देख के जो सीखा है वो ये चीज मैंने सीखी है कि किसान भाइयों को कम से कम 2 या 3 साल में अपना बीज बदलना चाहिए। देखिए ये मान लीजिए समय, मान लीजिए या समय नहीं मानते तो समस्या के हिसाब से मान लीजिए, भले 5 साल तक समस्या है, 5वें साल आ रही है तो बदलो, नहीं आ रही है तो मत बदलो, नुकसान मत करो। अगर आपके पास खेती का ही एक सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर उस पर पूरा फोकस करो। हाँ आपके पास कोई व्यवसाय है और आप सोचते हैं कि खेती सेकेंडरी है, तो सबसे पहले वो आपकी गलती है कि आप खेती को सेकेंडरी मान रहे हो, क्योंकि अगर उसको प्राइमरी लोगे तो कुछ ना कुछ आपको जो सुधार है, जो परंपरागत राजदूत आई थी, मैं 2 मिनट एक विषय से अलग बात बोलना चाहता हूँ, राजदूत आई थी, राजदूत इतनी फेमस थी आगे चली गई, बुलेट आई थी आज भी चल रही है, आज भी क्रेज है, क्योंकि समय के साथ उसने बदल लिया अपने आपको। इसलिए बदलाव जरूरी है मेरे मित्रों, बदलाव जरूरी है, अगर समस्या है तो बदलाव जरूरी है, नहीं तो सब चीजें हैं अपने साथ में ही है, उन्हें चलते रहिए करते रहिए। लेकिन अगर जहां आपको लगता है कि इट्स टाइम टू चेंज, इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, सो आपको इन चीजों पर फोकस करना चाहिए। अपने नए नए बच्चों के हाथ में खेती की डोर बाड़ दो, हमारे जैसे बच्चों के हाथ में दो, ताकि हम लोग हमारी ऊर्जा और जोश के साथ कुछ ना कुछ नया आप सबके सामने, जो भी मेरे वरिष्ठ जन रह रहे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कई जगह हमारे पास फोन आते हैं कि भैया मैं ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, मैं पापा नहीं करना चाहता, तो मेरा सभी पापाओं से अनुरोध है कि कर रहे दो, बच्चा गलत करेगा तो भी आप ही का करेगा और अच्छा करेगा तो भी आप ही का करेगा, सीखेगा और समझेगा और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे सभी सोयाबीन फार्मर परिवार के सदस्यों को। आपका एड्रेस वगैरह बता दीजिए। बदनावर तहसील है मेरी, धार जिला है, और उसका छोटा सा गांव है कठोड़िया बड़ा। आप आपके मोबाइल नंबर भी, मेरे फोन नंबर है 9977070129, और ग्रुप में भी आपको हर पोस्ट में मेरे ऐसे रहते ही हैं, उस पर भी किसी को सोयाबीन संबंधित कोई समस्या हो, बीज संबंधित, अच्छा अभी सोयाबीन कटेगी तो स्टोरिंग की अगर किसी को समस्या हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। फोन्स काफी आते हैं पूरे दिन भर, पर कोशिश यही रहती है कि सभी से बात हो, 2-3 फोन मैं मैनेज करता हूं, इसीलिए करता हूं कि जिससे नहीं कर पाया उसको व्हाट्सअप कर दिया, जिससे सारी चीजें अरेंज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शौक है और इसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मपाल सिंह जी।